असम का इतिहास पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के लोगों के संगम का इतिहास है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मन, ताई और इंडो आर्यन संस्कृतियों का संगम है। सुतिया लोग उन जातीय समूहों में से एक है जो असम के मूल निवासी है और ऐतिहासिक रूप से सुतिया साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। हालांकि 1523-24 में राज्य को अहोम साम्राज्य में समाहित करने के बाद सुतिया आबादी व्यापक रूप से विस्थापित यानी डिस्प्लेस्ड हो गई और ऊपरी असम के साथ साथ मध्य असम के अन्य हिस्सों में फैल गई। वे असमिया लोगों को बनाने वाले मुख्य समूहों में से एक है। मूल रूप से ये उन लोगों के एक समूह का हिस्सा था जो लगभग 4000 साल पहले प्राचीन चीन से चले गए थे और आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सुतिया शायद 7वीं शताब्दी में अन्य बोरो कचारी समूहों से अलग हो गए थे। लगभग 3000 से 4000 साल पहले पूर्वोत्तर भारत में प्रवास करने के बाद सुतिया लोगों के पूर्वज शुरू में सुबनसिरी, डिक्रोंग, डिबांग के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश और चीन के यूनान प्रांत के कुछ हिस्सों के पहाड़ियों पर बस गए थे। बाद में वे पूरे अरुणाचल प्रदेश में फैल गए। ऊपर असम के मैदानी भागों पर भी वो फैल गए थे। उस समय यह क्षेत्र ऑस्ट्रो एशियाई भाषा लोगों द्वारा आबाद था जो नस्लीय रूप से पैलियो मंगोलॉइड्स और ऑस्ट्रेलॉइड्स का मिश्रण थे। इन वर्षों में दोनों समूहों का मर्ज हो गया जो कि आज का सुतिया समुदाय है और इस क्षेत्र में एक राज्य का गठन किया जिसे दिक्कारबाखिनी, विदर्भ, सुतान, हदिया क्षेत्र, होमार आदि जैसे विभिन्न नामों से जाना जाने लगा। सुतिया के एक वर्ग प्रारंभिक काल में हिंदू बन गए थे और जो हिंदू नहीं बने थे उन्हें 17वीं शताब्दी में असमिया गुरु अनिरुद्ध देव द्वारा मायामोरा क्षेत्र के तहत एक शरण नाम धर्म में दीक्षा दिया गया था। सुतिया समुदाय असम में आग्नेयास्त्र यानी फायरआर्म्स का उपयोग करने वाले पहले लोग हो सकते हैं। जब अहोमों ने सदिया पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने हिलोई नामक हाथ तोपों के साथ साथ बॉर टोप नामक बड़े तोपों को भी बरामद किया। सुतिया समुदाय ने असम के निर्माण और वर्तमान असमिया भाषा और संस्कृति को विकसित करने में कई चीज़ों का योगदान दिया। मैं अपने अगले वीडियो में इनके बारे में बात करूँगा। थैंक यू।